نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ, سب سے پہلے تعریف و توصیف, کبریائی اور بڑائی, افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک, رازق اور پالنہار ہے. بعدہو بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام, سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ آپ کے سامنے مسلسل کئی جمعوں سے جاری و ساری ہے, اور آپ اپنی عمر کے 40ویں برس میں پہنچ چکے ہیں. نبوت سے آپ کو سرفراز کیا جا چکا ہے, اور پہلی وحی آپ پر نازل ہو چکی ہے اقرأ بسم ربک الذی کی شکل میں, اور اس وحی کے نزول کے بعد ایک نئے تجربے سے اب آپ کو سامنا ہوا تو آپ کے اوپر کیا گزری, پھر بحیثیت بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح آپ کو تسلی دی اور کیسے آپ کو ڈھارس بدھائی کہ پھر آپ میدان عمل میں کود پڑے, اور ایک نئے ولولے نئے جوش کے ساتھ آپ نے ہر قسم کے مصائب کا سامنا کیا. اب وحی کا
सिलसिला जो आप इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी की शक्ल में आप पे नाजिल हुआ था, कुछ दिन के लिए वक्फा रुका। सीरत नगारों और मुअर्रखीन के हिसाब से इस वक्फे के दरमियान बहुत सारे अकवाल हैं। अल्लामा सफ़ी रहमान मुअर्रखपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 15 दिन का वक्फा रहा इस बीच में, वह ये नहीं आई। आप एकदम बेचैन व मुस्तरिब रहने लगे, हैरानो परेशान रहने लगे, क्योंकि एक नई चीज आपके सामने आई। फरिश्ते को आपने देखा, अल्लाह से आपका नाता जुड़ा, तो आप चाह रहे थे कि यह सिलसिला बंद ना हो, मगर अल्लाह की हिकमत ये थी वही को कुछ दिन रोक देने में कि आपको के ऊपर जो खौफ तारी हो गया है उसमें कुछ कमी आ जाए, आप इससे मानूस हो जाए, फिर वही का सिलसिला शुरू किया जाए। अब एक फतरे के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फिर आपके ऊपर वही नाजिल की। इससे पहले कि वही की अहकामात आपके सामने मैं रखूं, वही कितनी किस्मों की होती है, किस किस शक्ल में आपके ऊपर नाजिल होती थी, ये आपके सामने रख देना नहायत ही मुनासिब समझता हूँ, जो आपके इल्म में ज्यादती का सबब भी होगी और आप देखेंगे कि किस किस शक्ल से आप पे वही नाजिल होती थी। तो जो उलमा ने तफसीर उसकी और तरतीब लिखी है उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चंद एक मैंने उसमें से, पहली चीज यह है कि सच्चा ख्वाब। अंबिया की यह खसूसियत है कि अंबिया इकराम के जो ख्वाब हुआ करते हैं वो सच्चे होते हैं। जो आप ख्वाब देखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेआईने ही वही दिन के उजाले में हो जाता था। तो अंबिया का ख्वाब सच्चा होता है, अल्लाह अपने अहकाम ख्वाब के जरिए से नबी तक पहुंचाता है। और दूसरी शक्ल यह होती थी कि फरिश्ता यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते और आप पे कुरान पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात उसको पीछे पीछे दोहराने लगते थे, मगर अल्लाह ने कहा कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक, आप इसको दोहराइए मत जल्दी याद करने के चक्कर में, बल्कि आप खामोशी से इसको सुनिए। इन अलैना बयाना, हमारे जिम्मे है कि हम आप सुनने के बाद उसको लोगों तक बयान करने का जो फरीजा है वो हम अदा करवाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गौर से सुनने का वतीरा रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिल में उसको जागुजी कर देता था, फिर जैसे अल्लाह चाहता था बयान ही वैसे ही आप दूसरों तक पहुंचाने पर कादिर हो जाते, और ऐसे उसको याद हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद हो जाता था। सनुकरेओ का फला तंसा, हम आपको ऐसे पढ़ा देंगे, ऐसे याद करा देंगे, ऐसे आपके दिल में इन वही की आयात को जमा देंगे कि आप कभी उसको भुला नहीं सकते, आप भूलेंगे नहीं। वरना हम इंसानों की ये फितरत है कि जब वो किसी चीज को याद करता है तो उसको भूल भी जाता हर इंसान, मगर अल्लाह के नबी की एक खसूसियत थी, जिसको एक बार याद कर लेते थे, जिसको एक बार दिल में महफूज कर लेते थे, फिर उसको कभी आपके दिल से भुलाया नहीं जाता। और तीसरी शक्ल यह थी कि फरिश्ता आपके दिल में इल्का करता था, उस वही को आपके दिल में डाल देता था, आपके सामने नहीं आता था। इसके अलावा एक शक्ल थी जो सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा मुश्किल थी, वो ये थी कि वह ये घंटी के टनटनाने की शक्ल में आती थी, जैसे घंटी की आवाज टनटन की होती है ऐसे एक आवाज होती थी। ये वही की सूरत अल्लाह के नबी पर सबसे मुश्किल सूरत होती थी। हदीसों में आता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त जाड़े के दिनों में जब ये कैफियत और इस शक्ल में वही आती थी तो आप पसीने से सराबोर हो जाते थे, आपकी पेशानी पे पसीना फूट पड़ता था। हते जैद इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि एक बार इत्तेफाक से आपकी रान मेरी रान पर थी। आप किस तरह अपने साथियों के दरमियान रहते थे मिलजुल करके, और कितनी बेतकल्लुफी से आप रहते थे कि एक नया आदमी आता था तो जान नहीं पाता था कि इसमें नबी कौन है और सहाबी कौन है। आज अगर किसी का थोड़ा सा रुतबा हो जाए तो अपने लिए ऊंची जगह ढूंढने लगता है, अपने लिए अलग कुर्सियां तलाश करने लगता है, और लोगों को इस अंदाज में बैठाता है कि कोई आए तो ये जाने कि ये महासाहब है, ये बड़े महान आदमी है। अल्लाह के नबी अपने साथियों के दरमियान इस तरीके से रहते थे कि आपकी रान साहबी रसूल जैद इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रान पर थी, और इसी दरमियान में वही का नुज़ूल आप पे होने लगा उस शक्ल में जो मैंने बतलाया कि घंटी के टनटनाने की शक्ल। जैद इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आपकी रान मेरी रान पर वही के नुज़ूल से पहले कैफियत जो थी
वो कोई मुश्किल नहीं थी, मगर जब वह ये नाजिल होने लगी तो आपकी रान का बोझ मेरे ऊपर इतना महसूस होने लगा, मुझे डर हुआ कि कहीं मेरी रान कुचल न जाए, मेरी रान के अंदर जो हड्डी वो फट करके बिखर न जाए, इतना ज्यादा बोझ मुझे महसूस होने लगा। और फिर और सहाबा इकराम बयान करते हैं, आप उठनी पे होते थे और घंटी के टनटनाने की शक्ल में अगर वही उतरने लगती थी तो इस बोझ को उठनी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और वही जमीन पर बैठ जाती थी। और एक शक्ल वही की यह भी थी कि फरिश्ते असली शक्ल में आते थे, जो उनकी शक्लें हैं 600 बाजू जिब्रील अलैहिस्सलाम के हदीसों में बयान किए गए हैं, और उसमें ऐसी चमक होती थी, ऐसी चमक होती थी कि एक सहाबी गालिबन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद या अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों में से किसी एक ने अल्लाह के नबी से मुतालबा किया कि मुझको आप दिखाइए कि फरिश्ते कैसे होते हैं। अल्लाह के नबी ने उनको मना किया, लेकिन उनके बार बार इसरार करने पर एक मरतबा अल्लाह के नबी ने उनको दिखलाया तो जो हते जिब्रील अलैहिस्सलाम के परों से चमक और नूर निकलता था उसकी ताब न ला करके उनकी आंखों की बीनाई जाने लगी और वो बहुत जल्द नाबीना हो गए। तो ये गैबी मामलात होते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खसूसियत थी। और मैं इंशाल्लाह आइंदा जुमों के अंदर जब वो कुछ बातें आएंगे उस जिम्न में बतलाऊंगा कि ये फ़र्क गैबी मुशाहदात को देखने का और दुनिया की चीज़ों को देखने का जो फ़र्क है ये क्या, इस पर एक मुस्तकिल खुतबा इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपके सामने बात रखी जाएगी। और एक शक्ल ये थी कि आप आसमान पर गए मेराज में, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे हम कलाम हुए, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन बात करता था मगर नजर नहीं आता था, आपसे रूह बात होती थी मगर सामने नहीं आता था, आवाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही सुनते थे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम सुनते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उधर से कुछ इरशाद फरमा रहा इधर से अल्लाह के नबी सुनते थे। और एक और शक्ल उलमा ने लिखी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर हिजाब के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह दर रूह बात करता था, मगर इस कौल के अंदर जमात हदीस के उलमा के अलावा सभी लोग मुत्तफिक हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, मगर वो रिवायतें मौजू मनगढ़ंत हैं, उनकी जब सनद चेक की गई वो मोतबर रिवायतें नहीं है। इसलिए सलफ से लेकर खलफ तक, कदीम उलमा से लेकर जदीद उलमा तक, जो उलमाए सलफ और मनहज सहाबा के मुताबिक अपने फतावे सादिर करते हैं और सही सनद की रोशनी में अपने फतावे सादिर करते हैं, वो इसके कायल नहीं है कि क़यामत से पहले अल्लाह को रू दर रू इन आँखों से कोई भी बशर नहीं देख सकता। और अल्लाह के नबी के बारे में अकीदा जो लोग रखते हैं कि नबी ने मेराज में अल्लाह को रू बरू देखा, हम इसके कायल नहीं है। क्यों? हमारे पास मुस्तनद रिवायात नहीं, और हम मुकल्लफ हैं मुस्तनद रिवायात के, जब सही सनद की रोशनी में जो बात मिलेगी उसे हम मानेंगे बतौर अकीदा भी और बतौर अमल भी। और अगर हदीस मुस्तनद नहीं है तो बात कितनी भी अच्छी हो, नबी का मर्तबा कितना भी उससे बढ़ता हो, हम उसको अकीदे की अपना अकीदा नहीं बना सकते ना उसको अपने अमल में ला सकते। ये मनहजे अहले हदीस और मनहजे सलफ, ये चंद शक्लें थीं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे दो चार होते थे वही के तनाजुर में। अब आइए फतरा वही के बाद, फतरा का मतलब वक्फा, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी के बाद 10 दिन और राजे कौल के मुताबिक 15 दिन तक वही का फतरा रहा, वही का वक्फा रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन और मुस्तरिब गारे हेरा की तरफ जाते थे और इधर उधर बेचैन शकल में देखते थे। सही बुखारी किताब रुइया के हवाले से ये बात बयान की जाती है और हदीसों में लिखी है, जो भी साहिब मुताला वो देख सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, मैं बेचैन और मुस्तरिब, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता था मैं पहाड़ की बुलंदी पर जाऊँ और अपने को उससे लुढ़का दूं, मुझे अपनी जान का खतरा मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कई मर्तबा इस इरादे से पहाड़ की तरफ चढ़ा मगर हर बार हत जिब्रील मेरे सामने आ जाते थे असली शक्ल में और कहते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं और मैं जिब्रील हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता था, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। और मैं इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाता था और पहाड़ से अपने को लुढ़का देने के इरादे से बाद आकर के वक्त निकल जाता था और फिर मैं घर लौटा था। बाज मर्तबा मेरे पीछे पीछे
मेरी इस इस्तराब और उलझन की कैफियत को देखकर हज़रत खदीजा भी पीछे पीछे आ जाती थी मेरी तलाश में कि नबी किधर है, किस हालत में है। और इसी असना में कई दिन गुजर गए, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील ने ये चंद आयात सूरह मुद्दसिर की लेकर के मेरे सामने, जब मैं इस कैफियत में आता था तो मैं लौट करके आकर के अपने घर आ जाता था, और ज्यादा जब मेरे ऊपर उलझन का गलबा होता था तो मैं चादर ओढ़ करके सो जाता था। इससे पहले भी मैंने इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी के तहत यह बयान किया। आज फिर इस तरीके के हालात देखे जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में, और ये कहना कि आप अल्लाह के रसूल और नबी हैं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, बार बार जब ये कहा जाने लगा तो मुझे ये यकीन हो गया और ये मेरे दिल में ये बात जम गई और इंशराहे कल्ब हो गया कि वाकई मैं अल्लाह का नबी हो चुका हूँ, अब मेरा मामला बराह रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से हो चुका है। और लेकिन मेरे ऊपर इस नए तजर्बे की वजह से घबराहट रहने लगी। मैं घर आया, मैंने कहा मुझे चादर दो, मैं चादर ओढ़ करके सो गया। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत उतार दी, या अय्युहल मुद्दसिर, ऐ चादर में लिपटे हुए इंसान, कुम फअंदिर, उठ जाइए और लोगों को डराइए, लोगों को इंतजार का फरीजा अंजाम दीजिए, लोगों को डर सुना दीजिए। उसके बाद फरमाया वरब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, वसियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को पाक और साफ कर लीजिए, वरुज्ज़ फहजुर, गंदगी से दूरी इख्तियार कर लीजिए, वला तमन तस्तक्सिर, और एहसान करके ज्यादा लेने की तलब को छोड़ दीजिए, वाले रब का फसबीर, और अपने रब के लिए सब्र के लिए आमादा हो जाइए। यहां तक यकबारगी आप पे आयात नाजिल हुई। बजाहिर तो ये आयतें बड़ी मुख्तसर, बड़ी सादा और बड़ी छोटी छोटी हैं, मगर इनके मकासिद, इनके अंदर छुपे आकाम, ये बड़े बाअजमत, बड़े बावजन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह हुक्म मिला तो इससे पहले कि क्या कैफियत हुई, इसको अल्लामा सफी रहमान साहब की जबान में और उनकी तहरीर की रोशनी में आपके सामने चंद निकात आपके सामने मैं रख दूं, ताकि जो लोग उर्दू से शगफ रखते हैं उनको भी कुछ लज्जत महसूस हो, और फिर इन फराइज की अदायगी जो है उनकी समझ में आ जाए। तो इसमें पहली चीज है कुम फअंजिर, खड़े हो जाइए और लोगों को डराइए। पहला फरीजा आप पर आयद किया गया कि आपके ऊपर इंजार का एक फरीजा आयद है, इसको अदा कीजिए। इंजार क्या चीज है? दावत तबलीग के अंदर दो चीज होती है, लोगों को बुरे अमल के अंजाम से डराया जाए और अच्छे अमल की खुशखबरी सुनाई जाए, उसके अंजाम से खुशखबरी सुनाई जाए। एक है इंजार और एक है तबशीर। इंजार बुरे अमल और बुरे अंजाम से डराया जाए, तबशीर अच्छे अमल की पादाश में जो इनामात मिलेंगे उसकी खुशखबरी दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंजार का फरीजा आपके ऊपर आयत किया गया तो अल्लामा सफी रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह रहमतराज है, और वो लिखते हैं इंजार की आखिरी मंजिल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रूए जमीन पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रूए जमीन पर जो कुछ अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो रहा है और आलम वजूद में जो कुछ अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चल रहा है उसके खतरनाक नतायज से लोगों को डरा दिया जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह पहला फरीजा आयद हुआ कि जो भी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ लोग अमल कर रहे हैं उसका अंजाम क्या हो सकता है, यह पहला फरीजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयद हुआ और आपने इसको अदा किया। कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। रब की बड़ाई बयान करने का मामला क्या है? फिर अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह रहमतराज है कि अल्लाह की बड़ाई बयान करने का की आखिरी मंजिल यह है कि रूए जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा जितने लोगों की बड़ाई बरकरार है उन सारे लोगों की बड़ाई को बरकरार जो लोग रखे हुए उनको खराब कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, और जो लोग अपनी जुबान से खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं उनकी तमाम शान और शौकत की बिसात को उलट कर रख दिया जाए और रूए जमीन पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बड़ाई को बाकी रखा जाए। यह दूसरा फरीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयद हुआ जिसमें जिहाद की तरफ भी इशारा है, जिहाद भी सैफ की तरफ भी और जिहाद भी नफ्स की तरफ भी इसमें इशारा। और तीसरा हुक्म हुआ वसियाब का फतहिर वर्रुज फहजुर, अपने कपड़े को पाक साफ रखिए और गंदगी से दूर रखिए। अरब के लोग उस वक्त पाकी और सफाई सुथराई का एहतमाम नहीं करते थे, कपड़े लत्ते को पाक और साफ करना उनका कोई खास फैशन नहीं था। वो जिस हालत में पेशाब किया धुलने की कोई कोशिश नहीं की, कपड़ा पाक है कि साफ है
उसमें लीद गोबर ऊंट बकरे के लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, इसी पोजीशन में वो टहलना और घूमना अपना रखते थे। मगर इस्लाम ने आकर के लोगों को बताया कि पाकी सफाई और सुथराई आधा ईमान है। अल्लाह के नबी को ये हुक्म दिया गया, वसियाब का फतहिर, अपने कपड़े को पाको साफ रखिए, वर्रुज़ फहजुर, गंदगी से खुद को दूर रखिए। ये बातनी गंदगी और ज़ाहरी गंदगी दोनों मुराद, क्योंकि बाज़ उलमा ने वर्रुज़ फहजुर की तफसीर ये की है कि बुतों से दूर रही, बुतों की इबादत की गंदगी से दूर रहिए, शिर्क की गलाजत उसकी नजाजत से दूर रहिए। लेकिन अल्लामा सुफरमान साहब मुबारकपुरी लिखते हैं कि अपने को पाको साफ रखना और अपने को गंदगी से दूर रखने की आखिरी मंजिल ये है कि पाकी व सफाई और सुथराई और तमाम शवाइब और अलवास से अपने नफ्स की सफाई के सिलसिले में उस हद कमाल को पहुँच जाए, उस हद कमाल को पहुंच जाए जो अल्लाह की रहमत के घने साए, उसकी हिफाजत निगहदाश्त और उसके नूर व हिदायत के तहत मुमकिन है। और आप मुआशरे के अंदर ऐसा आला नमूना बन जाए, इंसानी मुआशरे के अंदर ऐसा आला नमूना बन जाए कि तमाम कल्ब सलीम आपकी तरफ खिंचते चले आए और तमाम कज दिल के टेढ़े जो लोग हैं, कज दिल जो है और टेढ़े दिल वाले हैं, उन पर आपकी हैबत आपकी अजमत हावी हो जाए, गालिब आ जाए और इस अंदाज में आपकी शख्सियत लोगों के सामने आश्कारा हो जाए, वाजे हो जाए कि आपकी मुआफ़कत में या आपकी मुखालफत में लोग मुर्तकिज हो जाएं। जो आपके हो जाए वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाए और जो आपके खिलाफ हो वो आपसे बरसरे पैकार होने के लिए तैयार हो जाए। इस तरीके से आप एक आला नमूना बनकर के लोगों के सामने उभरे। वला तमनुन तस्तकसिर, और एहसान करके ज्यादा की चाहत मत कीजिए। आज भी माशरे के अंदर कोई किसी पर एहसान करता है तो चाहता है कि ये मेरे सामने हरदम जी हुजूरी करे, और इत्तेफाक से अगर वो सियासी लाइन में है और उसने उसका कोई काम निकाल दिया तो अब तो उसको वोट चाहिए, और अगर गलती से उसने वोट नहीं दिया तो फिर उसकी खैर नहीं है, जीत गया तो मुआशरे में उसकी उसका जीना दूभर कर देगा। ये हमारा एहसान करने का तरीका। मगर अल्लाह ने पहले ही मरहले में जिस जात को नमूना बनाना था उम्मत को, उसके लिए कहा वला तमनुन तस्तकसिर, एहसान करके ज्यादा की चाहत कभी दिल में मत लाना, इसलिए कि एहसान अल्लाह की रजा के लिए आप कर रहे हैं, उसका अज्र उससे तुम्हें लेना है, इस बंदे से नहीं लेना है। बहसियत इंसान, इंसानियत के नाते तुमने उसकी ज़रूरत का और उसके मसले को हल किया है, न ये कि उसको यूज़ और उसको अक्सर अपनी मतलब के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए आप ऐसा करेंगे। ये सारी गलतियाँ हमारे मुआशरे में है जिससे मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ नबी की सीरत। तो एहसान का मामला, अल्लामा सफीरमान साहब लिखते हैं कि एहसान की एहसान करके ज्यादा न चाहने की आखिरी मंजिल यह है कि आदमी जितने भी बड़े बड़े कारनामे करता चला जाए, जितनी भी नेकियां करता चला जाए, जितनी भी भलाइयां करता चला जाए, मगर इस नेकियों के मुकाबले में, इस कुर्बानियों के मुकाबले में वो इसको एक तरफ से इस माना में फरामोश करता चला जाए कि हमारा ये कोई कारनामा नहीं है, हमारी ये कोई बड़ी नेकी नहीं है, बल्कि हमेशा अपने दिल में अल्लाह की याद और अल्लाह के सामने जवाब देने का एहसास अपने दिल पर गालिब रखे। ये वतीरा था अल्लाह के नबी का भी, आपके असहाब का भी, और हमारा ये तरीका है कि अगर हम नेकी में आगे बढ़ गए तो अब हम दूसरों को हकीर समझने लगते हैं, अगर हम इबादत में आगे बढ़ गए दूसरे को कमतर समझने लगते हैं, किसी भी मामले में अगर हमारा मामला शोहरत पकड़ गया कि ये साहब बहुत इबादत गुजार हैं, ये बड़े खर्च करने वाले हैं, ये बहुत सदका करने वाले हैं, तो अब उनका दिमाग सातवें आसमान पर पहुँच जाता। मगर यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत बयान करके उनकी उम्मत को बतलाया जा रहा कि नहीं, नेकी के जरिए से भी आदमी जहन्नम में जाए और बदी के जरिए से भी जाएगा। वो नेकी उन हजारों गुनाहों से बुरी है जो नेकी तुम्हें तकब्बुर में मुब्तला कर दे, और वो गुनाह हजारों नेकियों से बेहतर है जिसके बाद पछता कर तुम नेक बन जाओ, ये याद रखना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार का फरीजा पहले मरहले में, दूसरा अल्लाह की बड़ाई बयान करने का फरीजा, तीसरा
अपने को पाक और साफ रखने का और गंदगी से दूर रहने का फरीजा, और फिर एहसान करके ज्यादा न चाहने का फरीजा, ये सब आपने बखूबी अदा किया। और कुम फ अंजिर ए नबी, आप लोगों को डर सुनाइए, इसके अंदर दावत और तबलीग का भी एक पहलू मिलता है। आप उठिए और लोगों को डरा दीजिए। अल्लाह के नबी जो बिस्तर पे सोते थे, अहलो आयाल के लिए आपका जीना होता था, अपने साथियों में घुल मिल करके रहते थे, मगर जब कुम फांजिर की सदा और इस निदाए जलीली को जब आपने आसमान से सुना, तो अब आपने नर्म और गर्म बिस्तर को छोड़ दिया, अहलो आयाल को छोड़ दिया। अब आपकी सारी तगोदो ये हुई कि अल्लाह की इस दावत को, अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया जाए। और इस मरहले में आकर जब इंसान दावत के मैदान में उतरता है, लोगों को दावत देने के लिए आमादा होता है, तो फिर क्या क्या मसाइब उसके सामने आते हैं। इसीलिए अल्लाह ने आखिरी आयत जहां पर आयत को खत्म किया, जहां पर इस वही के सिलसिले को, यानी पूरी सूरह है लेकिन वले रब का फसबीर पर एक बार आयत नाजिल हुई, तो अपने अल्लाह के लिए सब्र कीजिए। यहां तक आपने नाजिल किया तो सब्र की बात बीच में कहां से आई? तो जब अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत किया, तो जो आपके मुआफिक थे वो आपके मुखालिफ हो गए, आपको सादिक अमीन कहने वाले आपको साहिर और मजनून कहने लगे, आपकी तारीफें करने वाले आपको अपना हकम और फैसला मानने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मसाइल में बुला करके अपने मसले को हल करवाने वाले ऐलान नबूवत से पहले अब अल्लाह के नबी पर इल्जामात लगाना शुरू कर देता है। कोई आपको साहिर और जादूगर कहता है, कोई आपको नौजुबिल्ला मजनून और पागल कहता है, कोई आपको शायर कहता है, कोई आपको कुछ भी कहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे शेर और शायरी से बिल्कुल शगफ नहीं था, मुझे सबसे ज़्यादा मबगूज कोई लगता था तो वो शायरी करने वाला लगता था, मगर आज मेरे ऊपर शायरी का इल्ज़ाम लग गया। और शायर, अगर दुनिया में लोग मुझे पागल कहें तो फिर अच्छा कौन है, अगर मुझे जादूगर कहें तो फिर और लोगों के अंदर क्या होगा। ये बातें सुनने के बाद मैं बड़ा परेशान रहने लगा, मैं बड़ा मुस्तरिब रहने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसा सदमा तारी हुआ कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी गाहे बगाहे आयतें उतार करके आपको तसल्ली दी, आपको बड़ी इन दलदल से, इन गमो मसायब के दलदल से आपको निकाला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और गर्म और नर्म बिस्तरों को छोड़कर मैदान कारजार में उतरे, तो फिर सारे मुशरिकीन मक्का ने आपको ईजा देना शुरू कर दिया, आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आप कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, उधर वो तालियां बजा रहे हैं, आप कुरान के मफहूम बयान कर रहे हैं, वो हंसी मजाक कर रहे हैं, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वो शोर व शगम मचा रहे हैं। हर मोड़ पर जहां आपने कुरान के मफाहिम को बयान करने की कोशिश की, आज के अल्फाज में आपने वाजो नसीहत और तकरीर करने की कोशिश की, उन्होंने जलसे को भंग करने की कोशिश, और नतीजा क्या हुआ? जो मैंने एक जुमला कहा था अल्लामा सैफ रहमान साहब की तहरीर के हवाले से कि आप ऐसा नमूना बन के उभरिए कि आपकी मुआफिकत में लोग आपके गिर्द जमा हो जाएं या आपकी मुखालिफत में लोग आपके गिर्द जमा हो जाएं। तो गरीब तबका जो था वो लोगों का आपकी तरफ मायल होने लगा। आपने दावत को फैलाया और कहा कि अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह की हक्कानियत को कबूल कर लो, तुम दुनिया और आखिरत के अंदर सुरखरू हो जाओगे। तो फिर हर तरफ से लोग आने लगे। अब जो पहले पहल आपकी दावत को लब्बैक कहते हैं, पहले पहल आपकी दावत को लब्बैक कहते हैं, तो बिल इत्तेफाक है खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सबसे पहले कलमा इस्लाम पढ़ा। लेकिन जो तरतीब है, जो चमन इस्लाम भी पढ़े वो जानते हैं कि उसकी तरतीब ऐसे बनाई जाती है झगड़े को रफा करने के लिए कि मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की और कलमा इस्लाम को कबूल किया। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, और गुलामों में ज़ैद इब्ने हारसा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल। ये तरतीब बना करके जो लोग लड़ते हैं अफजल और मफजूल के लिए, उन झगड़ों को रफा दफा करने के लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बचपन के आपके दोस्त थे, हज़रत अली रज़ील्लाहु अन्हु आपकी किफालत में परवरिश पा रहे थे, हज़रत खदीजा रज़ील्लाहु अन्हा आपकी ज़ौजा मुहतरमा थी, हज़रत ज़ैद इब्ने हारसा आपके गुलाम बेटे, जैसे आपके गुलाम थे बेटे की तरह आपने उनकी परवरिश की थी। इन लोगों ने अव्वले वहला में ही आपकी दावत को कबूल कर लिया। अब तमाम मुअर्रखीन हम हज़रत अबू बकर रज़ील्लाहु तआला अन्हु को क्यों अफजल मानते हैं, क्यों आप पहले खलीफा हैं, क्यों आपका रुतबा इतना ऊँचा है कि हर सहाबी
नेकी में जितना भी आगे बढ़ जाए रश्क करता है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक पे करता है। पहली फुर्सत में हर मुअर्रिख हर सीरत निगार ये लिखता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से ये चार लोग जब मुसलमान हुए तो सबसे पहले तारीख लिखने वाले ये फहरिस्त बनाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कोशिश से फिर छः लोग मुसलमान हुए। ये चार लोग हुए मगर सबसे पहले इस पैगाम को आगे किसने पहुंचाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। और उसी बीच में हज़रत उस्मान गनी आपकी पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए से छः लोग मुसलमान हुए। इस दावत को लेकर के आगे बढ़े और फिर पहले खलीफा भी बनकर आप उभरे और इस तरीके से इस्लाम को सहाबा किराम ने दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया। आगे की तफसील फिर सहाबा ने कैसे पहुँचाया, उनके ऊपर क्या जुल्म व सितम हुए, ये सब बातें इंशाअल्लाह आती रहेंगी। इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ एक बार इलाह तो हम तमाम मुसलमानों की जहाँ जहाँ पर भी जुल्म व सितम के पहाड़ हम पर तोड़े जा रहे हैं उन तमाम जगहों पर अमन व इस्लाम की और अमन व शांति की फ़िज़ा कायम कर दे। बार इलाह जो लोग गलत इल्ज़ाम लग कर के जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई का बंदोबस्त फरमा दे। जो लोग मकरूज़ हैं उनकी रिहाई उनकी कर्ज की अदायगी का बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह जो लोग बेअमल हैं उन्हें साहिब अमल बना दे। जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद बना दे। जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रख। और अल्लाह तबारक व तआला जब हमारी रूह हमारे जिस्म उन सरी से परवास करे तो हमारी ज़ुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।